my channel और या today is a story time जिसको मैं 3 साल से छुपा रही हूँ. आपने कैप्शन में पढ़ लिया है. यस आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग. मतलब मैं क्या छुपा रही थी. एम आई प्रेगनेंट? नहीं, ये मेरा पेट ऐसे ही निकला हुआ है. और 3 साल कौन प्रेगनेंट रहता है भाई. एक्चुअली मैंने बोला आप लोगों को कि यू गाइज आर माई बेस्टी, सो आई वांट टेल यू एवरीथिंग. आई एम गोना शेयर अबाउट वन गाय. ही वॉज सो टॉक्सिक. या ही वॉज वेरी टॉक्सिक, द मोस्ट टॉक्सिक गाय आई एवर डेटेड. तो अबाउट हिम आई कांट रिवील हिज नेम बिकॉज यू नो प्राइवेसी कर नहीं सकते. मैं दाता में लिपस्टिक लगी क्या? प्रॉब्ली लगी. मैं पता था मैं हुई ऐसी सुंदर सुशील. आई एम टोटली सुंदर सुशील का मेरे को पता नहीं है. आई गेस आई एम सुशील. जैसे मियाँ खलीफा बड़े बड़े ग्लासेस पहनती है ना, और लगता है कि यार मतलब अगर तुम उसको देखोगे तो बिल्कुल कितनी पड़ाकू है. दैट काइंड ऑफ सुशील आई एम. I'm comparing myself to Mia Khalifa. Excuse me, she's too pretty and she got. But I got. I also got. But you know what? Whatever. Like, let's talk about the guy. But before that, this is a sponsored video by Olam Trade. जैसे कि आप सबको पता ही है कि Indian women are so busy. Like, हम सबको सब कुछ संभालना पड़ता है. घर, पढ़ाई, बच्चे, everything. Because we are superwomen, like we are. आप सबको best चीज पता ही है कि मैं proper independent हूँ. नहीं, I'm not proper independent, but I stay with my family. But I independent, like I take my खर्चा and I also give my family bit खर्चा. Oh yeah. मैं आपको अपनी तरह financially independent कैसे बन सकते हैं वो भी बिना घर से बाहर निकले बताती हूँ. क्या आपने ओलम ट्रेड के बारे में सुना है? ये इंडिया का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है. ये ऑफर करता है हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स, फ्री लर्निंग बेस और तो और प्रोफेशनल एनालिटिक्स से फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं. बस उस सिग्नल को फॉलो करो और प्रॉफिट अर्न करो. ओलम ट्रेड 24/7 सपोर्ट देता है. यहाँ ट्रेड करे बिना अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करे. चलो अभी साथ में एक डेमो ट्रेड ओपन करते हैं. सो मैं ट्रेड अप ओपन कर रही हूँ अपने बैलेंस में से 1000 यूज करके. नाउ 1 मिनट में रिजल्ट दिखेगा. वाह, मुझे एडिशनल 900 डेमो रुपीज मिले. काश मैंने इस ट्रेड को लाइव अकाउंट से खोला होता, जिससे बस कुछ क्लिक से मैं अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकती थी. तो किस चीज का इंतजार है? ओलम ट्रेड लाया है एक बोनस मेरे लिए और आप सबके लिए. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कीजिए और पाइए 1 लाख अपने डेमो अकाउंट में. और यूज करें मेरा प्रोमो कोड ROW30 ताकि आपको 30% एक्स्ट्रा डिपॉजिट मिले. मतलब 1000 की जगह 1300 रुपीज. सो गो गाइज, डिस्क्रिप्शन चेक करिए और ओलम ट्रेड पे अपना प्रॉफिट एंजॉय करिए. ओके ओके, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. द 3 इयर्स वाला थिंगी जो मैं छुपा रही थी आज बाहर निकाल रही हूँ. वाओ, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली दिस वन गाय. Obviously, one guy. हाँ, तो मैं एक लड़के से मिली थी 3 साल पहले, जो स्टार्टिंग हमारा लॉकडाउन हुआ था ना, जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसके जस्ट लॉकडाउन से पहले. तो मैं एक लड़के से मिली, मतलब मिली इन द सेंस कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप से. वी स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है ना. और वो ना बिल्कुल मतलब मुझे अच्छा लगा. 3 इयर्स बैक आई वॉज लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप. या बट राइट नाउ आई एम नॉट, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर शुगर डैडी, नॉट अ बॉयफ्रेंड. So only they can connect me here. Okay, let's get back to the video. मैं बकवास ज्यादा करती हूँ, बहुत ज्यादा बकवास करती हूँ. Okay, when I met him, तो we start talking and मेरे को ना जैसा बंदा चाहिए था ना वैसा ही था वो बिल्कुल, है ना. He wanted exclusive. Nowadays nobody wants exclusive वाला thing है तो, but he wanted exclusive and he talk about everything. हमने एक हफ्ता ना बात करा, ठीक है. And एक हफ्ते में उसने मुझे अच्छा सा गिफ्ट भी दिया. मैं और इम्प्रेस हो गई, यू नो मटेरियल गर्ल. मैंने कहा वाओ. बट या मेरा आगे बहुत खराब होता गया. तो एक हफ्ते बात करने के बाद, बाय द वे टॉक्सिक पना कहाँ से चालू होता है? जब मैंने उसको उस डेटिंग ऐप में ज्वाइन करा और उसको हमने आपस में डिस्कस करा कि व्हाट वी आर लुकिंग एंड ऑल एंड ऑल. उसने बताया आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड ऑल. तो हमारा परफेक्ट मैच था कि हम दोनों क्या देख रहे हैं.
ठीक है, हम दोनों में वो दोनों क्वालिटीज थी. तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, वेयर यू वांट टू टॉक. मैंने कहा लेट्स टॉक ऑन स्नैपचैट. इट्स लाइक कूल. तो उसने स्नैपचैट दिया मेरे को. वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन स्नैपचैट. तो उसने मुझे बोलता है कि मेरे को दिखाता है कि मैंने डिलीट कर दिया वो डेटिंग ऐप. मैंने कहा वेरी नाइस. मुझे कहता है नाउ इट्स योर टर्न. एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब लाइक सीरियसली. इट्स लाइक या, मतलब मैंने डिलीट कर दिया, मैंने अपना अकाउंट ही वहां से हटा दिया है, तो तुम भी अपना अकाउंट डिसेबल कर लो. एंड लाइक ओके. मैंने ना उस टाइम पे ना ऐप डिलीट कर दिया, मैंने अकाउंट नहीं डिलीट किया था. देन ही इंस्टॉल द ऐप एंड ऑल. और उसने फिर से मुझे चेक करा अपना अकाउंट उससे डिसेबल से हटा के. उसने मैं चेक करा और मैं वहां पे थी, और उसने मुझे बोला यू आर देयर स्टिल देयर. आई वाज लाइक व्हाट ओके. तो कहते अपना अकाउंट डिसेबल करो. एंड मैंने कहा ओके. मतलब मैं इतनी ज्यादा सुनती नहीं हूँ किसी लड़के की, बट यू नो मुझे ना वो पहली क्लिक में पसंद आ गया था और मैं बहुत डेस्परेट थी रिलेशनशिप के लिए. तो मुझे लगा आई थिंक ही इज द वन हु कैन गिव मी दैट. तो मैं जो वो बोल रहा था मैं कर रही थी. तो मैंने अपना अकाउंट डिसेबल कर लिया. फिर वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन स्नैपचैट. हार्डली हमने हफ्ते भर भी नहीं बात करी होंगे. आई गेस 5 days की बात थी एक दिन क्या. और हमारा बहुत स्मूथ चल रहा था, है ना, बिकॉज उसके बाद लॉकडाउन हो गया था. तो हमने एक बार वीडियो कॉल पे बात करी थी. फिर व्हाट हैपेंड वन डे, ऑल ऑफ सडन सुबह उसका टाइपिंग आता है और मेरे को लगा ओह माय गॉड ही इज गोना टेक्स्ट मी गुड मॉर्निंग एंजल एंड समथिंग लाइक दैट. बट मैं देखती हूँ कोई मैसेज नहीं आया. आई वाज बिजी. फिर मैंने थोड़ी देर में जाके देखा वो मेरे चैट्स में ही नहीं है, वो गायब हो गया. मतलब मेरे स्नैपचैट पे ही नहीं है. मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं उसको हर जगह ढूंढ रही हूँ. मैं उसका नाम यूजर नेम सर्च कर रही हूँ, बट आपको पता है स्नैपचैट में एक स्पेसिफिक यूजर नेम होता है. अब मेरे को, मैंने उसका कभी यूजर नेम ध्यान ही नहीं दिया इतना. जब आपको कोई यूजर नेम देता आप थोड़ा ना इतना ध्यान देते हो. मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया. मैंने कहा यस दैट एफ वर्ड. एंड आई वाज लाइक आई स्टार्ट सर्चिंग हिम. मुझे नहीं मिला. मुझे लगा कि इसको, मतलब ये क्या हो गया एकदम से गायब. फिर मुझे लगा मैं क्या करूं. मैं, मतलब मैंने वेट करा. मैंने एक दिन वेट किया, दो दिन वेट किया, तीन दिन वेट किया, चार दिन, हफ्ते भर वेट किया. तो मुझे वहां से कोई, मतलब कुछ आया ही नहीं रिस्पॉन्स. एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ. देन क्या हुआ, देन आई इंस्टॉल द सेम ऐप. मैंने अपना फिर से आईडी खोला. फिर मैंने देखा कि मतलब मैंने उस ऐप को डाउनलोड करके रखा ताकि वो मेरे को कभी वो मेरे से कनेक्ट कर ले. बट वो उस ऐप में भी नहीं था बेसिकली. मुझे लगा कभी तो वो फ्यूचर में उस ऐप में आएगा और वो मुझे वहां से कनेक्ट कर ले. ठीक है, तो मैं उस उम्मीद में मैंने वो ऐप रखा. तो ऐसे चला, है ना. फिर क्या हुआ, फिर कंप्लीटली मैं भूल गई उसको या जो भी था. एक साल बाद जब दोबारा लॉकडाउन आने वाला था, द सेकेंड वेव, ऑल ऑफ सडन मुझे मैसेज आता है, ठीक है, उसी डेटिंग ऐप पे. एंड ही वॉज लाइक आई एम है ये वो है मैन ऑल है ये वो हम वी ऑलरेडी स्पोक है. मैंने कहा ओके. बट मैंने वो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उसका बहुत वेट करा था. ऑलमोस्ट मैंने काफी महीने उसका वेट करा था कि वो कम बैक करेगा. बट फिर मैंने, चलो मैंने एंड में गिव अप कर दिया. तो ऑल ऑफ सडन वो मेरी लाइफ में आ गया. एंड आई वाज लाइक वाओ ही इज बैक. आई वाज सुपर हैप्पी कि मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया. मैंने कहा हाँ कूल, ठीक है, डन. बट फिर मैंने इस बार मैंने गलती करी थी कि ना मैंने उसका यूजर नेम ना याद नहीं रखा. तो मैंने कहा नहीं भाई, इसका यूजर नेम तो याद कर लेना है. तो उसने मुझे बोला नहीं, विल टॉक ऑन अदर ऐप. मैंने कहा कूल. तो मैंने उसका नंबर मांगा बेसिकली. मैंने कहा नहीं, नंबर तो लूंगी इस बार भाई, इस बार आई कांट लूज हिम. तो फिर वी अगेन स्टार्ट टॉकिंग. तो सेम हम बात कर रहे थे और मैंने उसका नंबर भी ले लिया था. 2 दिन बात करी सेम अगेन ऑन स्नैपचैट, क्योंकि मैं स्नैपचैट पे चैट करती हूँ, क्योंकि सारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं. देयर इज नो प्रूफ दैट आई एम टॉकिंग टू एनी गाय. स्नैपचैट पे बात कर रहे थे हम लोग और मेरे पास अब उसका नंबर है, ठीक है. 2 दिन और मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. जब भी हमारी बात होती थी वो मेरे बारे में ही पूछता था, अपने बारे में बहुत कम बताता था. लाइक अपनी एज और इन सब चीजों के बारे में बताता था ज्यादा. मतलब डीप कॉन्वर्सेशन वो करता क्या है क्या नहीं है, बस ही टोल्ड मी दैट इज अ बिजनेस मैन. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था. ज्यादा अपने बारे में बात नहीं करता था वो, सिर्फ मेरे बारे में ही बात करता था. मैंने कहा ओके. फिर हम बात कर रहे थे, 2 दिन अच्छी बात हुई, देन अगेन ही अनफ्रेंड मी. मैंने कहा वाओ, वो गायब हो गया फिर से. फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, किसी के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए, यू नो. फिर मैंने कहा चल छोड़, मेरी किस्मत में ही नहीं है शायद से. तो मैंने कहा लेट इट गो. मतलब मैंने उसको ज्यादा परेशान नहीं किया. और मेरे पास उसका नंबर भी था, बट आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल जो ज्यादा कॉल वॉल करती नहीं किसी को. मतलब अगर सपोज मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ तो यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ही वॉज ऑल्सो दैट टाइम. बट फिर मुझे लगा वो ज्यादा इनिशिएट नहीं करो तो मैं ही क्यों करूँ, आई एम द गर्ल.
देन चलो फिर खत्म हो गया लॉकडाउन खत्म. सेकेंड वेव तो बहुत ही गंदा था आप सबको पता ही है. तो फिर अब खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश नाउ. ठीक है, अब मेरे को उसकी उम्मीद ही नहीं है मेरी लाइफ में दोबारा आएगा. द थर्ड टाइम फिर से जो थर्ड लॉकडाउन, मुझे नहीं समझ में उसका कोविड और उसका कोई कनेक्शन था. जैसे ही थर्ड वेव आई वो मेरी लाइफ में फिर से आ गया. मतलब मेरे को समझ नहीं आता था ये सीन क्या है, मतलब सीन क्या है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था. और वो हर कोविड में आता था ना तो आई वॉन्टेड टू मीट हिम, है ना, हम मिलने की बात करते थे. तो हमेशा बोलता था कि नहीं कोविड है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मैं बहुत ये वो, मैं बहुत प्रिकॉशन ले रहा हूँ एंड ऑल. मैंने कहा अच्छा कूल, मतलब सेफ्टी में है, अच्छी बात है. बट एवरी मतलब वेव आती है वो मुझे मैसेज करता है. मैंने कहा ये कैसी है. तो इस बार मुझे मैसेज आया अनदर ऐप पे, मतलब इज अ चैटिंग ऐप ओनली. तो उसमें मेरे को मैसेज आया उसका, हे दिस इज मी एंड ऑल. मैंने कहा ओके. मैंने कहा व्हाट नाउ, अब मैं क्या करूँ. मेरे को ना ऐसे ऐसे बोलने लग गया कि हाय दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट. मैंने कहा ओके कूल. फिर मैंने पर इस बार उसको ज्यादा हवा नहीं दी. मेरे को लगा यार ये ऐसे कैसे मेरी लाइफ में हर साल उठ के आ जाता है, ये क्या कोई वो चल रहा है क्या. तो मैंने उसको ज्यादा हवा नहीं दी, मैंने उसको सीधा एक कंडीशन रख दी. मैंने कहा देख इफ यू वॉन्ट मी वी हैव टू मीट. मुझे लगा यार मैं उससे मिलूंगी तो उसका थॉट प्रोसेस चेंज कर दूंगी, लाइक मेरी जैसी सुंदर लड़की को देख के वो थोड़ा सीरियस ज्यादा हो जाएगा. आई वॉज रॉन्ग. हाँ तो मैंने बोला सी इफ यू वॉन्ट टॉक टू मी नाउ यू हैव टू मीट मी. ही इज लाइक ओके. मतलब ही वॉज सो डेस्परेट कि वो मुझसे बात करे, तो उसने वो राजी हो गया, कहता ठीक है. तो आफ्टर थर्ड वेव तो वो मेरे से मिलने आया. ओके okay? और वो अपने पूरा फुल ऑन ऑफिस के ना उसमें बिल्कुल सूट वूट डाल के आया हुआ था. तो मैं तो उसको 2 साल से मतलब देख रही थी, वीडियो कॉल पे देखा था मैंने दो हर एक एक साल. तो तीसरी साल में ना वो वैसे आया मेरे पास. और बट बाय द वे एवरी ईयर जब वो मेरे पास आता था वो मुझे गिफ्ट देके जाता था, ऐसा कुछ नहीं है. गिफ्ट देके जरूर जाता था मेरे को. तो थर्ड ईयर जब मेरी लाइफ में आया तो मैंने कहा भाई मुझे इस बात से कुछ नहीं चाहिए, मुझसे मिल तू. तो उसने बोला ठीक है. तो हम मेरे घर के पीछे ही मिले थे, हम किसी रेस्टोरेंट में गए. उसने मुझे बोला था कि ना तुम कुछ ढंग के कपड़े डाल के आना. मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है भाई, मैं हमेशा ढंग के कपड़े डाल के आती हूँ. ही इज लाइक नहीं तुम स्कर्ट वगैरह डाल के आना, मतलब मेरा ड्राइवर होगा फिर उसको क्या लगेगा एंड ऑल. मैंने कहा ओके वियर्ड, बट एज यू गाइज नो कि मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी तो वो जो बोल रहा था वो मैं कर रही थी. तो मैं क्या करी गई, मैं स्कर्ट ही डाल के चली गई. I'm a bird bitch. मैं स्कर्ट ही डाल के चली गई बेसिकली. बट वो मेरी नई स्कर्ट थी, मैं अपनी नई स्कर्ट स्टॉकिंग्स एंड फुल कोट एकदम क्लासी बन के गई. मैंने कहा इसको तो मैं आज इम्प्रेस करके रहूंगी, 2 साल से परेशान कर रहा है. मैंने कहा नहीं भाई इसको इम्प्रेस करना, मैं एकदम फुल एकदम तैयार व्यार होके गई. लास्ट ईयर की बात है, ठीक है दिसंबर की बात है. मैं गई उसके पास तो वो मुझे देखते, उसका फर्स्ट रिएक्शन पता क्या था मुझे देखते. He was not like, wow, looking so good. He's like, thank God, I'm not driver पीछे छोड़ के आया हूँ. Look at you. And I was like, भाई तू मुझे in general देख लेता ना तो पागल हो जाता. मैं किस टाइप के कपड़े डालते हुए तो पूरी ढकी हुई हूँ. तो मैंने कहा ओके. मैंने कहा मैंने नॉर्मली तो पहना है. कहता है इट्स नॉट नॉर्मल. मैंने कहा ओके. मैंने कहा मैंने भी नई स्कर्ट डाली हुई है इसके लिए. बट मैं आई वॉज हैप्पी इन साइड की हाँ फाइनली आई एम मीटिंग हिम. He was cute. क्यूटी सा था उसका चेहरा. आई कैन लाइक स्टिल इमेजिन हिम. देन व्हाट हैपेंड, हम गए और वी स्टार्ट टॉकिंग. वो मेरा ना एकदम इंटरव्यू ले रहा है. अच्छा व्हाई यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी, ओके व्हाई यू वांट टू डू दिस, व्हाई यू वांट टू डू दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा, मैं ये मैं वो फलाना ढिका. मैं कह रही हूँ भाई तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या. मैं उसको बोला मुंह पे. He's like, मैं ऐसे ही बात करता हूँ. मैंने कहा तुम इतना सीरियस रहते हो. कहते हैं हाँ मैं इतना सीरियस रहता हूँ एंड ऑल. मैंने कहा चलो ड्राइव पे चलते हैं. तो मैं जब उसको ड्राइव पे लेके गई ना तो थोड़ा मैं उसको खोलने के लिए ओपन करने के लिए तो मैं उसको ड्राइव पे लेके गई एंड हम बात बात करने लग गए. तो बेसिकली हम फिर समझ जाओ तुम लोग बच्चे नहीं हो तो थोड़ा सा मेकआउट ओनली बस. अब नीचे मत जाना ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ चुम्मा चाटी बस दैट्स इट. He got totally mad for me and he's like, oh my god, I so wanna be with you and all. I was like, yes, please. So he's like, okay, I wanna be with you. मैंने कहा but you should be sure. Like every year you're doing this to me and he's like, yeah, I'm so sorry. I was busy with my work and all.
तो बट आई आई मेरे को तुम हमेशा याद रहती हो और आई वांट टू डू दिस विद यू. मैंने कहा ओके कूड कर लेते हैं. तो मैं तो खुश हो के घर आ गई, बट मुझे अंदर से पता है कि ये कभी भी फ्लिप कर जाएगा बंदा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम. मैं खुशी खुशी घर आ गई. उसने मेरे को ना उस दिन बहुत सारी ना ऐसे चीजें बोली, नहीं आई वांट टू बी दिस एंड दैट, मतलब तो प्यारी प्यारी बातें बोल दी. बट जब मैं वापस घर आ गई तो नेक्स्ट दिन वो मुझे मैसेज करता, आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दिस. मैंने कहा व्हाट? देन मैंने उसको फोर्स ही नहीं किया. मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूं, मतलब जब अगला बंदा वो चाहता ही नहीं है, मतलब इतना ऐसे ही बंदे के साथ रहने का कोई फायदा ही नहीं है कि उसका कुछ फिक्स ही नहीं है. कभी कहता है हाँ, कभी कहता है ना, कभी हाँ ना. ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है. बट दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है, 29 दिसंबर. तो मैंने उसको अपने बर्थडे से पहले ना मैसेज किया मैंने, और दैट टाइम ना आई वॉज वेरी लाइक लो, बहुत ही मैं लो फील कर रही थी. उसका कुछ अलग रीजन है तो मैं बहुत लो फील कर रही थी. तो मैंने उसको मैसेज किया कि कैन आई मीट यू. उसने मुझे पता है क्या लिख कर भेजा, वाई. एंड आई वाज लाइक ऐसे कौन बोलता है यार, मेरा बर्थडे आ रहा है. मैं भाई मुझे बहुत बहुत दिल में दर्द हुई. मैंने कहा ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ. फिर मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया. मैंने कहा आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट, मतलब उसको कोई फायदा नहीं है बात करने का. फिर देन व्हाट हैपेंड, मैंने कहा मार्च दिस ईयर, मार्च ऑन मार्च ही केम बैक. आपको पता है अप्रैल में मेरे भाई की शादी थी. हम लोग ना चांदनी चौक से आ रहे थे, तो उस टाइम पे बिकॉज शादी की शॉपिंग ऑल चल रही थी, तो भाभी हम सब बैठे हुए थे गाड़ी में, भाभी ड्राइव कर रही थी. तो मेरे को ना एकदम से मैसेज आता है उसी ऐप में, टिंग डिंग 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 कर, नॉट डेटिंग ऐप जिसमें हम बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी. तो डिंग 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 करके मैसेज आ रहा है. मैंने कहा ये क्या सीन है? तो मैंने कहा अच्छा ओके, मैंने कहा ठीक है. तो वो मैंने खोल के देखा तो उसके मैसेज आए और मेरी आंखें ऐसे हो गए ना. और वो कहता है हाय ये दिस एंड दैट, आई एम गोना लाइक आई एम सो सॉरी एंड ऑल. मैंने कहा, मैंने उसको मैसेज किया नाउ व्हाट यू वांट फ्रॉम मी. ही इज लाइक आई वांट यू इन माय लाइफ एंड ऑल एंड ऑल. बड़े बड़े मैसेजेस करो जा रहा, ढक ढक ढक, रुके ही ना अगला, रुके ही ना. मैंने कहा चिल भाई, मैं अब मैं क्या मतलब मैं अपने सबके साथ बैठी हुई हूँ. मैंने कहा आई थिंक यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस और आई थिंक वी शुड नॉट डू दिस. He's like, no, no, I'm 100% sure, I wanna be with you. वो मेरे को किस याद है, ये वो पुरानी बातें निकाल के मुझे वो किस याद है, वो इतनी अच्छी थी, फलाना ढिकाना, I wanna be with you, this and that, this time I'm not gonna ditch you and all, मैंने कहा भाई ये क्या सीन चल रहा है. बट अंदर से ना मैं बहुत खुश थी, ऑब्वियसली मेरे को बहुत पसंद था. सो मैंने कहा इग्नोर कर रही हूँ फुल ऑन उसको. तो वो मुझे कॉल पे कॉल करने लग गया. मैंने कहा भाई टॉक्सिक बना की बहुत होती है. मैंने उसको फोन काटा, मैंने कहा सी अवे आई एम विद माय फैमिली एंड मेरे को नहीं लगता तुम अब मैं अपनी जिद पे अड़ी थी कि मेरे को नहीं लगता तुम श्योर हो. बट इज लाइक नहीं 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 आई वांट टू बी विद हिम. बट तुम्हें पता है फ्रॉम इनसाइड आई वांटेड टू बी विद हिम. मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके लेट्स टॉक ऑन कॉल, मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई. एंड ही वॉज लाइक ओ सो हैप्पी, लाइक ओ आई एम सो हैप्पी, ये वो दिस एंड दैट, थैंक यू, दिस टाइम आई एम नॉट गोना डिसअपॉइंट यू एंड ऑल ऐसे उसने मुझे बोला. मैंने कहा कूल. उसने बोला ऑल दो आई वांट टू सी यू टुमारो. मैंने कहा व्हाट, अगला सामने से पूछ रहे हो उससे. मैंने कहा हाँ श्योर, अब तो मैं सुन ली. हाँ मैंने कहा मैं इन. मैंने कहा खुश, मैं खुश, सुपर खुश. तो नेक्स्ट डे ही केम टू मीट मी ओनली फॉर 1 आवर. तो अगला मतलब तुम एक दिन देखो इतना डेस्परेटली मेरे को मैसेजेस कर रहा है, अगले दिन पता है मेरे पास आते फिर बैठ गया ऐसे पैर पे पैर चढ़ा कर कहता है व्हाई यू वांट टू बी विद मी. एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, यू आर द वन हू वांट टू बी विद मी. मतलब ये चल क्या रहा है भैया? और फिर वही इंटरव्यू चालू, नहीं तुम्हें क्यों रहना है, तुम्हें क्या करना है, तुम आगे ये तो नहीं करोगी, तुम वो तो नहीं करोगी, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत वो हूँ, शक्की टाइप हूँ. उसने बोला मेरे को मुंह पे कि मेरा नेचर ही ऐसा है. ठीक है मैंने कहा ओके, मतलब फिर वो इतनी सारी बातें मुझसे बकवास कर रहा था. मैं फिर मैंने कहा भाई चिल चिल, यू आर द वन हू वांटेड टू बी विद मी, तो नाउ व्हाट. ही सेड ओके दिस एंड देन लेट्स डू दिस. मैंने कहा सी, मैंने उसको फिर भी वहीं पे बोला, मैंने कहा सी यू हैव टू डिसाइड यू वांट टू डू दिस और नॉट. ही लाइक आई वांट टू डू दिस. मैंने कहा ओके कूल, ठीक है डन, फिर लेट्स डू दिस. तो हमने उस दिन फिर मिले और फिर से भाई मेरी मम्मी देख रही है ये वीडियो. मम्मी है, मेरा खानदान देखता है यार. सो जब भी ऐसे करो समझ जाओ. मतलब फिर वो बहुत स्मूथ हो गया. देन मुझे लग पर मेरे अंदर यही है कि घर जाते अगला फिलिप हो जाएगा, मैं अब कुछ नहीं मानती. पर नेक्स्ट मैं घर गई, वो कहता है हाँ बाय द वे उस दिन उसने बोला
कि व्हाट आर यू डूइंग टुमारो. और मेरे को कल ना साहिल के साथ पार्टी में जाना था. मैंने कहा आई एम गोइंग आउट विद माय फ्रेंड. कहता है ओ इमोशनल ड्रामा गया उसने. ओ आई वाज गोइंग फॉर अ पार्टी. मेरे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड उनके उसके किसी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था. तो इट्स लाइक मेरे सब वो लोग आ रहे थे तो मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मैंने सोचा तुम्हें लेके चलूं एंड ऑल. मैंने कहा भाई इसने मेरे को यहाँ पे वो कर दिया कि मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैं तुम्हें ले चलूं. मैंने कहा ओके मैं चलूंगी, मतलब मैं मैनेज कर लूंगी, साहिल से थोड़ा लेट मिलने चली जाऊंगी. मैंने या मैंने आई डू दैट. बट आई वॉज सो हैप्पी दैट कि उसने मुझसे पूछा और अब वो मुझे लेके जाना चाहता है बाहर. तो मैं बहुत खुश थी. तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिले. होटल में पार्टी थी, स्वीट में पार्टी थी, ऐसे बाहर आउटडोर पार्टी नहीं थी. तो हम वहाँ पे गए और वहाँ पे सबसे मिले एंड ऑल. मैं उन सबसे मिली, ठीक है. पहले तो वो बहुत सीरियस और एवरी टाइम मैं जब भी मिली हूँ ना उससे वो कोर्ट में ही रहता है बिल्कुल ना. एक्चुअली वो ही यूज टू गिव मी वेरी मिस्टर ग्रे वाइब प्रॉपर. ही इज लाइक प्रॉपर, अगर किसी ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है तो ही वॉज प्रॉपर ग्रे. बट वो मतलब लुक वाइज और सीरियस वाइज डोमिनेटिंग वाइज. अदरवाइज तुम अगर वैसे देखो तो ही इज नॉट दैट गुड गाय. वो मिस्टर ग्रे का जो बनाया है ना ही इज वेरी गुड एंड ही नीड्स टू लव हिज गर्ल अ लॉट. ऐसा नहीं है, वेरी हार्ड वर्किंग. आई अप्रिशिएट दैट, वेरी हार्ड वर्किंग. मे बी इज वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो, बट ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. मेरे को वो इसीलिए पसंद था क्योंकि मेरे को पता था कि वो बहुत अपने काम में बहुत डेडिकेटेड है और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है. दैट्स अ बिग टर्न ऑन फॉर मी, ग्रीन बिग ग्रीन फ्लैग. इसीलिए मैं सारे रेड फ्लैग्स भी इग्नोर कर रहे थे. तो हम वहाँ पे गए एंड मैंने उसको ना मैंने हमेशा सीरियस देखा था बट दैट डे उसने ड्रिंक करी, ठीक है. एंड दैट डे आई सॉ हीज अदर फेस, लाइक ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन एक्चुअली दैट टाइम. मतलब मैं उसको देख रही हूँ बहुत खुश है, हंस रहा है, मुझे पकड़ रहा है एंड इज आई एम सो हैप्पी बींग विद यू एंड ऑल. एंड ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ माई गॉड आई एम इन अ मूवी और समथिंग. मतलब इतनी प्यारी लव, वैसे बटरफ्लाइज एंड ऑल सब हो रहा है मेरे साथ. लेकिन तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करा उस मैंने. और वहाँ पे जिसका बर्थडे था उस लड़की को ना वो ही वॉज सुपर ड्रंक एंड ही वॉज लाइक तुम्हें पता है 3 साल से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ. मैंने कहा 3 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी जाते हैं. बट आई फेल सो गुड कि उसने इस तरीके से बोला और मतलब अच्छा लगा मुझे. ही वॉज लाइक बहुत हम लोग बहुत वो लवी डवी मूवमेंट में थे. वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, उसको घर जल्दी जाना था, स्टिल वो और टाइम स्पेंड करना चाह रहा था. बट मैंने उसको बोला नहीं मैं को जाना पड़ेगा साहिल को, आई कॉन्ट डिच. फिर मैं साहिल के पास चलेगी. तो दैट्स इट. एवरी डे ही वॉन्टेड टू मीट मी बैक टू बैक. तो उसके नेक्स्ट डे नहीं मिले बट उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही सेड कि आई वांट टू मीट यू अगेन. मैंने कहा ओके मिलते हैं. तो आई वॉज हैप्पी दैट कि वो उसको मेरे में इतना इंटरेस्ट है कि मुझसे बाबा मिलने की कोशिश कर रहा है. तो जब हम थर्ड टाइम मिले तो बेसिकली हम थर्ड टाइम मिले तो वी वर इन अ समझ जाओ तो फैमिली इज वॉचिंग. तो क्या कहते हैं मैं मिली उससे तो ही वॉज फुल्ली लाइक वी वर लाइक पार्टिंग बहुत. हम दोनों पार्टी कर रहे हैं बहुत फुल ऑन, ठीक है. ही वॉज ड्रिंकिंग और क्या कहते हैं ही वॉन्टेड मी टू ड्रिंक. मैं आई डोंट ड्रिंक, आप लोगों को पता ही है वेस्ट इज आई डोंट ड्रिंक. आई डोंट लाइक, आई डोंट एन्जॉय अल्कोहल. बट दैट टाइम आई लाइक ओके फॉर टू मेक हिम हैप्पी आई स्टार्ट ड्रिंकिंग. बाय द वे एक और टॉक्सिक पना बता दूँ उसकी. एक और हरकत ये थी कि अगर वो मुझे मैसेज कर रहा है ना मैं उसको तुरंत रिप्लाई करूँ. अगर मैं एक मिनट भी लेट हो जाऊंगी ना वो मैसेज करेगा सामने से ओके सो यू आर नॉट इन टू दिस, ओके सो यू आर नॉट यू डोंट वांट टू बी विद मी, लाइक दैट काइंड ऑफ मैसेजेस. मैंने कहा भाई ये क्या. तो लिटरली मैं ड्राइव करते हुए भी उसको मैसेज करती थी. मैं ड्राइव करते हुए स्नैप भेजती थी कि सी आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, आई कांट टॉक टू यू. मैं कुछ भी कर रही हूँ अगर उसका मैसेज आता मैं तुरंत उसको रिप्लाई करती थी. ऑल्दो मेरे को ये टॉक्सिक पना पसंद नहीं है बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी विद हिम. तो मेरे को ये सब चीजें पसंद, मतलब मुझे सब पसंद ही आ रहा था उसके साथ. तो थर्ड डे जब मैं उससे मिली और मैं अपना बाय द वे अपना फोन मैं किसी को जिंदगी में ना छूने दूं, ना किसी की हिम्मत है कि मेरा कोई फोन छू ले. तो बट बिकॉज वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था. बहुत बड़ा मेन रीजन यही था. वो मुझे कहता था तुम फेमस हो, तुम्हें लोग जानते हैं, तुम्हें तो इतने लड़के फलाना ढिकाना. वो मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है. और स्टिल ही वॉन्टेड टू बी विद मी. तो उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए मैं अपना फोन उसके पास छोड़ के जाती थी. मैं वॉशरूम जाती थी ना मेरा फोन वहां पड़ा रहता था और मैं अपने पासपोर्ट भी उसको बता दिया था मैंने कि वो ताकि उसको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है. बस मैं उसके लिए बहुत सीरियस होना चाहती थी यार. मैं दिस
मेरा ये ईयर स्टार्ट होते मेरा गोल था कि 2022 में आई एम नॉट गोना डू एनी शिट लाइक एनी दिस रिलेशनशिप शिट. बट जब वो मेरी लाइफ में आया तो मेरे से कुछ रुका ही नहीं गया बिकॉज आई वॉज टू इन टू हिम. तो मैंने उसका ना पासपोर्ट भी दे दिया, सब कुछ दे रखा था यार ताकि उसको मेरे पे भरोसा हो. थर्ड टाइम मैं उससे मिली तो उसने हम लोग वी स्टार्ट पार्टिंग एंड ऑल, उसने मुझे ड्रिंक विंक करवाई है. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, देखिए वैसे अल्कोहल भी नहीं करती, मैं बहुत ही घटिया हूँ और मैं पीती भी नहीं हूँ ना ही आई अप्रिशिएट अल्कोहल. तो व्हाट हैपेंड उस दिन ना उसने फिर बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया. द सीक्रेट वॉज ही इज मैरिड. I know, right? The best part is, उसने मेरे साथ, मैं अब इशारे भी नहीं कर सकती उसके लिए. He never forced me to have sex or something like that. He told me that I don't want to have sex with you. और मेरे को इसीलिए उससे बहुत ज़्यादा attraction. The main reason was, this is the main reason because he always like कि नहीं मेरे को तुम्हारे साथ physical relationship नहीं बनाना है, मुझे तुम्हारे साथ normal relationship बनाना है क्योंकि nowadays everybody wants to get into your pants. But I thought he's different guy, he's not like this, but the situation was different. Actually he was married and I was like बुरा लगा बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लगा. बट फिर मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, इट्स अप टू हिम यार. बट वट एवर इट इज लाइक मुझे बुरा लगा, मैंने कुछ बोला नहीं. मतलब मैं क्या बोलूँ, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से. मैंने कहा ओके ठीक है गुड. And he's like, yeah, we can't continue this. मैंने कहा हाँ yeah, you are right, we can't continue this. But he, like that day, he promised me a lot of things that he's gonna be with me or मतलब in the sense कि as a friend or he gonna support me and all everything. He will guide me for my future because he's a big businessman. और उसने मुझे बोला कि वो मुझे सिखाएगा and all you know you need somebody वो जो तुम्हें guide करे. तो मैंने कहा okay fine. मेरे को फिर लगा बुरा लगा बहुत. और फिर देन वी हमने डिसाइड किया कि वी शुड बी फ्रेंड्स ओनली. तो हम फ्रेंड्स बन गए एंड वी स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड. बट एक उसकी आदत थी कि वो बहुत ही जब व्हेन ही वांट्स मी ही विल बी द बेस्ट पर्सन, व्हेन ही डजंट वांट मी ही विल बी द वर्स्ट पर्सन एंड ही बिकेम अ वर्स्ट पर्सन. फिर मुझे लगा कि आई थिंक देयर इज नो पॉइंट बीइंग फ्रेंड्स विद दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इतनी जल्दी आपको कर देता है. ऑल दो हम ट्राई कर रहे थे दोस्ती करने का, फिर मैंने सोचा कि कोई पॉइंट ही नहीं है यार अब उससे दोस्ती करना, ही इज अ मैरिड गाय. तो दैट्स इट, वी जस्ट लाइक खत्म हो गया फिर सब कुछ. और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया एक दिन गुस्से में. और उस दिन मुझे पैनिक अटैक आया था गाइस. मतलब मेरे को कभी भी पैनिक अटैक नहीं आया. यू तुम सबको पता है मैं कितनी लाइफ फुल गर्ल हूँ, मैं कितनी मतलब मुझे हर चीज़ें कितना इन्जॉय करना पसंद है. बट दैट डे मैं जिस दिन मैं उसको ब्लॉक किया था, मैं अपने आप को आई वॉज इन अ डिप्रेशन 10 days स्ट्रेट अवे बिकॉज ऑफ दैट गाय. प्लीज़ अपने आप को बेस्टीज किसी भी लड़के के लिए इतना सफ़र नहीं करना है. मैंने ये अब मुझे ये लेसन मिल चुका है अब दोबारा ये गलती करके कि अपने आप को किसी भी लड़के के लिए इतना सफ़र नहीं करना. यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. आपको अगर किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है तो अपनी फैमिली को देना चाहिए. आपने देखा होगा कि आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली बिकॉज मैंने वो चीज़ सीख ली है कि फालतू की जो ये जो लड़के होते हैं ना इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए. ये लोग सिर्फ आपसे मतलब निकालेंगे और कट लेंगे. तो बेटर ये सारी इम्पोर्टेंस आप अपनी फैमिली को दो. तो दैट टाइम मेरे को वो जो पैनिक अटैक आया था, वो स्लीपिंग है ना, मेरे दिमाग में ऐसे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया एंड मेरे दिमाग में चल रहा है आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग इन माई लाइफ, वाई यू आर लिविंग योर लाइफ, यू शुड डाई. ऐसी ऐसे मुझे ना एकदम मेरे को मैं उठ गई, मैंने कहा व्हाट द फक इज गोइंग ऑन विद मी यार. मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ. आई फेल सो बैड अबाउट दिस. मैंने कहा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग. तो मुझे लगा कि मुझे उसके साथ कट ऑफ करना चाहिए. मुझे थोड़ा टाइम लगा कट ऑफ करने में. बट देन आफ्टर 1 month आई टेक्स्ट हिम. मैंने उसको बाय द वे उसने मुझे मेल तक भी करे हुए हैं. या जब मुझे ढूंढ रहा था दोबारा तीसरी टाइम वो मुझे मेल भी कर चुका है. उसने मुझे बताया भी था कि मैंने तुम्हें मेल भी कर रखा है. मैंने मेल में देखा था उसका मेल. तो आफ्टर लाइक 1 month मेरे को टाइम लगा. नहीं नॉट 1 month, आफ्टर 15 days मैंने उसको एक मैसेज करा. दैट वॉज अ बिग गुड बाय मैसेज. मैंने उसमें कुछ बुराई और कुछ गलत नहीं बोला उसको. मैंने लिखा कि बींग विद यू वर सो गुड, सो मैजिकल. आई थॉट यू वर माई ड्रीम बॉय बट आई गेस
हमारा तो कुछ है ही नहीं साथ में, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. तो एंड ऑल थैंक्स फॉर एवरी थिंग. मैंने उसको थैंक्स बोला और मैंने उसको लिखा लास्ट में कि प्लीज़ डोंट कम बैक. I know you're gonna come back. My heart says that you're gonna come back again. But honestly, I don't want you back. मैंने बस इतना लिखा उसको. That's it. That was the end. That was the end, guys. The last guy I dated. He was the last guy I dated. उसके बाद अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है किसी को, मतलब मैं किसी से दिल लगाऊँ या कुछ करूँ, बिकॉज उसने को बहुत, मैंने आपको वो डीप शिट नहीं बताई है बिकॉज मैं उसको बीटी नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद बीटी में चली जाऊँगी. तो मेरा वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ. तो बहुत ही मैं डिप्रेशन एंड ऑल सब झेला उसके चक्कर में. तो अब मेरा उसके बाद से वैसे मैं बहुत फोकस्ड हो गई हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ. आपने देखा है मैं 3 वीडियोस डालती हूँ हफ्ते में और आई एम सुपर एक्टिव ऑन स्नैपचैट. आई गॉट 1.3 मिलियन ऑन स्नैपचैट. We are gonna hit 2 lakh on YouTube. So yeah, I am progressing and working hard, working on myself, dieting and all. Sab kar rahi hu main. So yeah, I am the first priority. My family is my first priority. My work is my first priority. Ye saari cheeze meri priorities hai. Ladka ladka kuch nahi. Haan, date date pe jaati rehti hu. Matlab kuch hai nahi. Matlab options open hai mere. But yeah, that's it. That's it, guys. This is the thing. Maine chupa ke rakha tha. Iske bare mein kabhi discuss nahi kara tha. Bahut hi. आई गेट हार्डली 2-3 फ्रेंड्स को ही पता है इसके बारे में मेरे. अब मेरे एक्सक्यूज मी, तुम्हारे 2-3 फ्रेंड्स ही है भाई. ओ या आई हैव ओनली व्हाटएवर, बट आप सब मेरे बेस्टीज हो तो आप सबको भी बता दिए ये स्टोरी. आई एम ओके, जस्ट आई एम फाइन. यू नो कॉमेंट में वो मत पूछना, आर यू फाइन एंड ऑल. आई एम सुपर फाइन. आई एम सुपर सेक्सी गॉर्जियस सेक्सी हार्ट सब मैं. अभी तो मैम लाइक प्रॉपर लाइक मैंने मूव ऑन हो गया उससे और अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में आए वापस. मैंने उसको ब्लॉक ब्लूक कर दिया हर जगह से एंड आई एम सुपर हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करिए और पाइए 1 लाख रुपए अपने डेमो अकाउंट में और यूज करिए मेरा प्रोमो कोड ROW30 ताकि आपको मिले 30% एक्स्ट्रा डिपॉजिट, मतलब 1000 की जगह 1300 रुपए. तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक करिए और ऑल एम ट्रेड पे अपना प्रॉफिट एंजॉय करिए. नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज बेस्टीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड गेट मी 200k सब्सक्राइबर्स. लव यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई हैव वन मोर स्टोरी टेलिंग वीडियो. आई एम गोना टेल यू दैट super soon. It's about body, yeah, body shaming and all. So yep, I'm gonna make that video. So thank you so much, love you, bye.